नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या की वजह महज 2500 रुपए का लेन देन बताया जा रहा है। दोनों ही आरोपी हत्या को अंजाम देने के बाद गुजरात भाग गए थे। पुलिस की टीम ने आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया है। आरोपियों से मृतक की सोने की चेन और मोबाइल भी पुलिस ने आरोपियों से जब्त की है। इंदौर में महज 2500 रुपए के पीछे एक युवक की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल पूरा मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के तिरुमला टाउनशिप का है, जहां 8 अप्रैल को टाउनशिप के पीछे खाली पड़े मैदान में एक युवक की लाश मिली थी। पुलिस ने युवक की पहचान अजय शर्मा के रूप में की और मृतक को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया और पूरे मामले की जाँच में जुट गई। पुलिस ने जब मृतक की कॉल डिटेल निकाली तो आखिरी समय में सिद्धार्थ और राकेश से बात होना पाया, जिस पर पुलिस टीम ने दोनों के घर दबिश दी, लेकिन दोनों ही घर से फरार थे। उसके बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से और टेक्निकल तरीके से दोनों के मोबाइल नंबर ट्रेस करे, जिस पर उनकी लोकेशन गुजरात बताई गई। पुलिस की एक टीम दोनों आरोपियों को पकड़ने तुरंत गुजरात के अहमदाबाद पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी वहां से भाग चुके थे। इंदौर पुलिस ने अहमदाबाद पुलिस की मदद से आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की तो आरोपी की लोकेशन नासिक बताई गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद नासिक पहुंचकर आरोपी सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर इंदौर लेकर आई। यहां आकर उससे पूछताछ की तो उसने अपने दोस्त राकेश का नाम बताया, जिस पर आरोपी राकेश को भी गिरफ्तार किया गया। पूरे मामले में जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपियों ने महज 2500 रुपए के पीछे अजय की हत्या करना कबूला है। घटना के दिन दोनों आरोपियों ने अजय को खाली पड़े मैदान में बात करने के लिए बुलाया, जहां आरोपियों ने अपने 2500 रुपए मांगे, जिस पर उनका आपस में विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने पहले अजय का गला दबाया, उसके बाद ईंट से उसका सर कुचलकर हत्या कर फरार हो गए। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। दरअसल यह घटनाक्रम 8 अप्रैल का है, जो कि थाना एरोड्रम क्षेत्र अंतर्गत तिरुमला टाउनशिप के पीछे खाली पड़ा जो खेत का स्थल है, उसमें एक 30 वर्षीय युवक की क्षतविक्षत लाश की पड़े होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना प्रभारी एरोड्रम और उनकी टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। मृतक के चेहरे पर चोटें थीं, पास में ही उसकी एक्टिवा भी पड़ी हुई थी और कुछ दूर पर एक ईंट भी पड़ी हुई थी जिसमें खून के निशान थे। पुलिस के द्वारा अनुसंधान के दौरान यह तथ्य ज्ञात किए गए कि मृतक का नाम अजय शर्मा था और उसकी हत्या का प्रकरण प्रथम दृष्टया पाए जाने से पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। मृतक का पिता BSF में नौकरी करता है। थाना प्रभारी संजय शुक्ला और उनकी टीम के द्वारा लगातार गहन अनुसंधान करके और खासकर मोबाइल कॉल डिटेल और साइबर सेल वैज्ञानिक अनुसंधान तरीके से अनुसंधान करके यह पता किया गया कि मृतक आखिरी समय किसके साथ देखा गया, जिस पर यह जानकारी मिली कि उसके दो मित्र राकेश गोस्वामी और सिद्धार्थ राठौर, ये दो शख्स यहाँ इंदौर एरोड्रम क्षेत्र के शक्ति नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो उसके साथ देखे गए थे। पुलिस द्वारा उनकी तलाश करने पर दोनों ही घर पर नहीं मिले, जिससे उन पर संदेह और मजबूत हुआ। इनकी तलाश हमारे द्वारा विभिन्न स्थलों पर की गई। पुलिस को यह ज्ञात होने पर कि यह मध्य प्रदेश को छोड़कर बाहर निकल गए हैं, गुजरात जाने की खबर मिली, जिसके आधार पर एक पुलिस टीम तत्काल उनके पीछे उनको सर्च करने के लिए भेजी गई। अहमदाबाद और नासिक इत्यादि जगहों पर पुलिस ने लगातार उनका पीछा किया, विभिन्न जो हमारी तकनीकें हैं उनको ट्रैक करने की, उसका सहारा लिया गया और अंततः जो आरोपी राठौर है उसको नासिक के पास राउंडअप किया गया और उसे यहाँ लाने के बाद उससे हुई पूछताछ के आधार पर उसके एक अन्य साथी राकेश गोस्वामी को भी राउंडअप कर लिया गया है। दोनों ही आरोपियों से पूछताछ में यह बात स्पष्ट हुई है कि उधारी के पैसे को लेन देन को लेकर के मृतक से उनका विवाद था। मृतक को घटना दिनांक को भी अर्थात 7 तारीख की रात्रि में यह इसी उद्देश्य से उस स्थान पर जहाँ पर कि उसका शव पाया गया है वहाँ पर बुलाए थे। वहाँ इनके बीच बहस हुई पैसे को लेन देन को लेके, क्योंकि मृतक के ऊपर उधारियाँ थीं इन दोनों की और वह देने की स्थिति में नहीं था और वो और भी पैसा मांग रहा था। इसी बात को लेके आवेश और आक्रोश का वातावरण इनके बीच बना
और तब दोनों ही व्यक्तियों के द्वारा मृतक का गला साफी से उसका दबा करके उसे अचेत कर दिया और बाद में उसको घटना स्थल पर डालकर उसके चेहरे पर ईंट वगैरह से प्रहार किए, जिससे कि उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। आरोपियों के द्वारा मृतक के गले में पहनी हुई जो चेन थी, सोने की चेन, वह भी अपने पास रख ली गई। आरोपियों ने मृतक के मोबाइल को ले जा करके तोड़ के फेंक दिया। उक्त चेन भी आरोपियों से पुलिस ने बरामद कर ली है। इस पूरी कार्यवाही में थाना प्रभारी एरोड्रम निरीक्षक संजय शुक्ला और उनकी टीम के साथियों ने बहुत मेहनत की और लगातार विभिन्न मध्य प्रदेश के शहरों सहित गुजरात के अहमदाबाद, नासिक इत्यादि अनेक जगहों पर लगातार पीछा करके और यह दोनों ही आरोपियों को राउंड अप किया और इस अंधे कत्ल का खुलासा करने में सफलता प्राप्त की। लेन देन की जो प्रारंभिक तौर पर बात सामने आई है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, कभी 2500 रुपये एक से ले लिए थे, थोड़ा एक और से वो 12000 मांग रहा था, इस तरह बहुत बड़े अमाउंट की बात नहीं थी। लेकिन जो वर्तमान उनका स्टेटस था उसके हिसाब से उनके लिए यह अमाउंट भी काफ़ी था। क्या करते हैं इस संबंध में? आप अनुसंधानकर्ता अधिकारी हमारे साथ हैं और वो आपको और आपके कुछ अन्य प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।